सर so, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मेरा नाम है रिपूत दमन सिंह मैंने बीटेक कर रखा है आई टी गुवाहाटी से जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आज के अपने कमेंट में टारगेट जरूर से लिख दीजिए और देखो तीन दिन बचा है अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं है फिर भी ये टाइप आप लिख दीजिए आज के टारगेट क्या है कि आपने मॉक वॉक दिया और कौन सा आई आप टारगेट कर रहे हैं ठीक है या फिर आपका ड्रीम कॉलेज है ये भी लिख दीजिए ठीक है तो जैसा कि आपको पता है आप अब एडवांस में ज़्यादा समय बचानी है तो आपको मुझे पता है स्ट्रेस वेस्ट्रेस होने लग गया होगा ये सबको होता है टेंशन मत लो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आपके लिए नया है ठीक है होता है सबको होता है टेंशन मत लो ठीक है डर सबको लगता है भाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है जेई का ठीक है और सबका ड्रीम कॉलेज होता है मतलब क्लास टेन के बाद जब भी आते तो यही सपना रह जाता है कि अपना आई में जाना है आई के दो साल तैयारी चल रही है इवन कुछ तो ड्रॉप भी लेते हैं तीन साल ठीक है तो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं लोग ठीक है तो आज की वीडियो आपके थोड़ा हार्ट को रिलीफ करेगी टेंशन आपकी थोड़ी बहुत कम करेगी और कुछ आपको टिप्स बता रहे हूँ ये कर लीजिएगा क्योंकि बहुत लोगों के साथ कुछ ब्लेंडर वगैरह हो जाते हैं तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है वीडियो ठीक है तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो स्टार्ट करेंगे ठीक है सबसे पहले तो अभी आप मॉक देना बंद कर दीजिए मॉक मैं किसकी बात कर रहा हूँ पी वाई की वैसा मॉक की नहीं बोल रहा मैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप पेपर को अगर आप दे रहे हो मॉक वो तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है आप अगर किसी कोचिंग का रैंडम टेस्ट दे रहे हैं तो मत दीजिए क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके किसी एक टेस्ट में खराब नंबर आ जाए जैसे मान लेते हैं थ्री सिक्सटी का पेपर है ना तो मान लेते हैं कि चालीस नंबर आ गए और फिज़िक्स मतलब मैथ में आ गए माइनस दो नंबर तब आप तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाओगे सही बात है कि नहीं जैसे कि अपना ए वाई एस स्टार आर कचरा पेपर था अभी जैसा लोगों ने दिया था ठीक है जैसा कि आपने देख लिया ऐसा कभी भाई आएगा नहीं ठीक है अब मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो ट्रिपल आई टी जे इ, पता नहीं क्या नया कुछ बना दे रहे हैं ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे पेपरों पे ध्यान नहीं देना है वो जो भी रैंक वैंक रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कचरा है भाई उन्हें कैसे पता है कि भाई आपकी क्या रैंक आएगी जब आपने पेपर ही नहीं दिया अभी ठीक है वो बस एक्सपेक्टेड है और कुछ नहीं है कचरा है मेरे हिसाब से इस पर आप सेंस मत लगाओ बिल्कुल भी ठीक है तो ऐसे मॉक बिल्कुल अवॉइड करने ये सिर्फ डीमोटिवेटिंग फैक्टर हैं और ऐसे मौक लगा के आप रैंक मतलब जो अपनी रैंक लिस्ट है ना उसमें अंदर नहीं आओगे रैंक लिस्ट से बाहर जरूर चले जाओगे ठीक है तो ऐसे मॉक्स को आप आप त्याग दीजिए बिल्कुल ही समय आ चुका है वरना इससे आपका स्ट्रेस ही बढ़ेगा ठीक है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो जेई का टफ है मतलब पेपर है ना वो इतना टफ नहीं आता है जितना ये लोग बना देते हैं ठीक है ए जैसे कि अपन ने अभी देखा ये वाला पेपर अब मैं इसका पूरा नाम नहीं लेने वाला ठीक है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन पर ध्यान नहीं देना इनके मार्क्स पर ध्यान नहीं देना आप पी वाई क्यू एज़ अ मॉक दे दो पी वाई क्यू एज़ अ मॉक में अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया साइन है इसके अलावा आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है अभी और एक बार सिटिंग विटिंग लगा के देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट अब आते हैं सेकेंड चीज़ पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अभी इनऑर्गेनिक या फिर फॉमले रिवाइज़ नहीं कर रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपको यही सब करना चाहिए इंस्टेड ऑफ़ ये वाले कचरा मॉक्स इससे ज़्यादा आप रिवाइज़ पर ध्यान दीजिए जो आपके फॉर्मूले वगैरह हैं क्योंकि देखो अगर आप एंड टाइम पे फॉर्मूले भूल गए तो ख़त्म है चीज़ कोई फ़ायदा नहीं है आपका दो साल पढ़ने का ठीक है तो इसलिए अपन को एटलीस्ट फॉमूला वगैरह बेसिक चीज़ें याद रखनी है और हो सके तो इनऑर्गेनिक का रट्टा मार लो ये आप अपनी साइकिल में रखो अभी ठीक है और बाकी भले ही मॉक वॉक मत दो इवन पी वाई क्यू एज अ पेपर भी ना दो चल जाएगा बट एटलीस्ट ये रट्टा वाला फॉर्मूले वाली चीज़ एटलीस्ट अपने साइकिल में रखो जिससे मेन चीज़ आप ना भूल जाए कहीं पेपर में ऐसा ना हो कि आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा हो क्योंकि ये बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगा फिर आपके लिए ठीक है हाँ अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ स्लॉट की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना अगर आपने नहीं करा आपका पेपर नौ से बारह दो से पाँच के बीच में होने वाला है ये आपको पता ही है ऑब्वियसली तो मेरा मानना ये है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अगर एज अ मॉक दे रहे हो तो इसी टाइम फ्रेम में दीजिए बिल्कुल जैसा एग्जाम वाले दिन आप करोगे ना आप ये वाली हैबिट ले आओ क्योंकि तीन दिन बच्चे हैं भाई ठीक है और ये काफ़ी गेम चेंजर रहती है वाली टिप मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होगी ना वो भी इसके हिसाब से सेट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है ना सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इस टाइम के बीच में हो जाएगी अगर आपने ये अपनी साइकिल में बिठा दिया एटलीस्ट तीन दिन है अभी भी डुएबल है करा जा सकता है नौ से बारह टेस्ट दो पी वाई क्यू एज अ पेपर मॉक कचरा वाले मॉक नहीं ठीक है पी वाई क्यू एज अ पेपर और दूसरा वाला दो से पाँच दे सकते हो ठीक है बायोलॉजिकल क्लॉक पर अपन को साइकिल में लाना है और देखो स्टेमिना भी प्रूव हो जाएगा आपका कि कितना है आप सहन कर पा रहे हो कि नहीं ये नहीं हो कि भाई जो उस दिन एक्चुअल पेपर हुआ उस दिन आप पेपर वन तो बढ़िया कर गए पेपर टू में बिल्कुल ही लुढ़क गए ठीक है ये नहीं करना ठीक है क्योंकि लोग निबट जाते हैं मेरे को पता है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये कर लेना स्लॉट प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिए अब आगे चलते हैं हाँ याद रखो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट वैसे नहीं आएगा लोग हुआ बना के रखें कि भैया पेपर बहुत टफ पेपर बहुत टफ नहीं भाई आधा टफ तो पता है पेपर प्रेशर से हो जाता है मैं बता रहा हूँ जैसे कि कल मैंने वीडियो में वो आपको 2016 को पेपर को अटैम्प्ट करके दिखा रहा था तो आप नोटिस करेंगे पेपर इतना ईजी मतलब टफ़ नहीं था ईजियर साइड पर था अपन को ईजी क्वेश्चन दिख रहे थे पेपर में लेकिन वही है जब प्रेशर होता है ना तो ईजी चीज़ें भी टफ लगने लगती है प्रेशर क्रिएट हो जाता है इसलिए तो बस अपन को यही मान के चलना है कि पेपर है। वैसे टफ नहीं है आप कर सकते हो जितनी आपकी नॉलेज है सफिशियंट है आप पूरा कर सकते हो पेपर ठीक है तो आपको डरना नहीं है हाँ लेकिन इसके एक्सेप्शन भी जैसे दो का जो मैंने पेपर देखा वो मुझे टफ ही लगा पता नहीं क्यों ठीक है ऐसे पेपर भी होते हैं बट ठीक है पर दो हजार तेईस का पेपर इतना टफ नहीं था ये आपको मानना पड़ेगा ठीक है दो हज़ार बाईस का तो भाई पता नहीं क्या कचरा बना दिया हर जगह ही टफ था वो ठीक है आगे चलते हैं एक शफलिंग टेक्निक ये मैंने आपको कल वाली वीडियो बताई थी तो एक बार उसे ज़रूर से देख लेना हो मैंने बहुत वाली वीडियो बताया है कि देखो भाई आपको कुछ नहीं करना है पेपर को एक बार सफ़ल कर लो ठीक है शफ़लिंग मतलब ये नहीं कि मिक्स कर दो मैं सफ़ल नहीं करना चाह रहा था ठीक है मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पेपर को गेस कर लो कि भैया पेपर में आया क्या है जैसे फिजिक्स है केमिस्ट्री में क्या क्या है और उसमें आप क्वेश्चनस को देख लो सॉल्ट कर लो अपने हिसाब से ठीक है कि कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉक है ये मैं पहले करूँगा रैंकिंग दे दो उसके हिसाब से जैसे मैं बताता हूँ ना कल वाली वीडियो में बताया था देख लेना एक बार ठीक है जैसे मेरे को जो स्ट्रॉग टॉपिक है तो मैं उसकी क्वेश्चन पहले करूंगा और जैसे केमिस्ट्री है उसमें मेरे को पता है ऑर्गेनिक मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं पहले कर लूंगा इसकी क्वेश्चन फिर मेरी फिजिकल स्ट्रॉग है फिर इसके करूंगा लास्ट में मैं इनऑर्गेनिक कर दूँगा ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ठीक है तो ऐसे कर लेता हूँ ठीक है बाकी जो मुझे लग रहे हैं टफ उन्हें मैं मार्क कर दूंगा और बाद लास्ट में रीड करूंगा इन केस अगर वो इजी होंगे तो कर लूंगा नहीं तो स्किप कर देंगे सीधी बात तो इट फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है हर एक क्वेश्चन पे क्योंकि कुछ क्वेश्चन जेई के पेपर में ऐसे होते हैं ना वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं ठीक है वो सॉल्व नहीं होते बस उनका मकसद ये होता है कि बस टाइम वेस्ट कर दो बच्चे का ठीक है और इसी में आपकी रैंक ड्रॉप हो सकती है क्योंकि अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हो सकता है आप इतनी देर में दूसरे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते और उसके आपको मिल जाते छः मार्क्स प्लस अगर प्लस थ्री का होता ठीक है तो वही है थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन को सॉर्ट करना पड़ेगा शफल करना पड़ेगा कि भैया कौन सा ईजी है कौन सा मैं पहले करूँगा कौन सा ईजी है सबसे पहले ईजी करना है फिर मीडियम पर जाना है और लास्ट में टफ वाले छोड़ ही देने हैं सही सुना आपने छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आगे चलते हैं छठे टॉपिक मतलब छठे पॉइंट पे आते हैं ठीक है एक चीज़ याद रखना कुछ नई चीज़ मत ट्राई करना पेपर में ठीक है नई चीज़ मतलब देखो अब आपने पेपर वाले दिन कुछ अपनी स्ट्रेटजी ही बदल दी जैसे सो so, वैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स करते थे पहले इस, इस लाइन में लगते थे आपसे लेकिन केमिस्ट्री हुई नहीं तो आप केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स पे आ गए और फिज़िक्स भी नहीं हुई फिर मैथ भी नहीं हुई फिर आपने कहा अब जयराम जी की ठीक है तो ऐसी नई नहीं नई नहीं चीज़ें कुछ आपको ऊट पतांग हरकतें नहीं करनी है अपनी स्ट्रेटजी फिक्स रखो अगर आपको कुछ नया चीज़ ट्राई करनी है ना तो अभी तीन दिन है मॉक्स में ट्राई कर लो अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़े अगर बढ़ रहा है तो तो बढ़िया है पेपर वाले दिन भी कर लेना वरना अपनी स्ट्रेटेजी फ़िक्स रखिए चेंज मत करिए बिल्कुल भी अभी तो एकदम आपको फिक्स रखना है कुछ नया चीज़ मत इंक्लूड कर लेना ठीक है बहुत क्रूशियल है हाँ अब आती है नई चीज़ मतलब ये डाउट तो मेरे को एवरग्रीन लगा छत्तीस लोगों ने पूछ दिया मेरे से भैया ये चैप्टर बचाए ये कर लूँ क्या ये चैप्टर बचाए ये कर लूँ क्या ये चैप्टर बचाए भाई एक बात बता तू चैप्टर तो कर लेगा ठीक है मान लिया तूने पढ़ लिया बट उसके क्वेश्चन लगा लोगे नहीं पूरे एडवांस लेवल उसका लेवल पहुंच जाएगा नहीं अब समय नहीं बचा अब आप उसे मास्टर नहीं कर सकते ठीक है तो अब आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि अब आप नहीं कर सकते इतनी सब चीज़ें अब आपको अपनी लिमिट पे आ जाना पड़ेगा ठीक है और उसे स्किप करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हो सकता है जैसे कुछ लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ रखी है तो भाई मेरे को मैसेज करा उन्होंने कि भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे को नहीं पढ़ मतलब मैंने पढ़ी नहीं छोड़ दूँ क्या मैंने कहा भाई अब क्या करोगे अब छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बट हाँ अगर आपने पूरा पेपर ही छोड़ दिया है तो तो भाई अजीब ही बात है ये तो तो फिर ऐसा मत करना कि आपने बोला कि भैया मैंने पूरी केमिस्ट्री ही छोड़ दी आपने बोला था छोड़ दो तो अब मैंने पूरी केमिस्ट्री छोड़ दी भाई ऐसे नहीं छोड़ना है ठीक है छोड़ना है तो मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया ठीक है ठीके? तो ये हरकत है मत करना ठीक है और इसमें एक एक्सेप्शन इसमें भी है इनऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक भाई बहुत ही ईजी होती है मतलब ईजी तो नहीं होती बट रट्टे वाली होती है तो आप उसे कवर कर सकते हो ठीक है आपको सीधे रीडिंग ही मारनी है इन द ठीक है तो दिस इज़ डूएबल अगर आपको नहीं पता इनऑर्गेनिक इन कहाँ से करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं मैंने वहाँ पर मटीरियल डाल दिया है ठीक है उधर से आप पढ़ लोगे काफ़ी है इनऑर्गेनिकली उसमें सवाल भी है और पी वाई क्यों लगा जाओ इन और ये लिए सफ़िशेंट है मेरे हिसाब से ठीक है आगे चलते हैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका ठीक है हाँ अब याद रखो अब आपको पता है पढ़ाई कम से कम कर देनी चाहिए और रिलैक्स ज़्यादा करना चाहिए आपका जो ये मैं एक दो वीडियो में और बता चुका हूँ कि आपका जो ग्राफ होना चाहिए ना पढ़ाई का विद जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ रही है इस टाइप का होना चाहिए मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना चाहिए तो अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है तो इसमें स्ट्रेस होने की बात नहीं है कि आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि अब भाई अगर आप ला लास्ट के जो तीन दिन है ना नहीं भी पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली स्पीकिंग क्योंकि आपने जो मेहनत करी है ना वो आपकी दो या तीन साल की मेहनत है ठीक है वो एक दो दिन आपके ना पढ़ने से ख़त्म नहीं होती जो कंसिस्टेंसी वाली बात होती है ना वो इम्पॉर्टेंट है तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इवन तीन दिन नहीं पढ़ते तो भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं करी दो तीन साल तो बेटा आप तो तीन दिन तो पढ़ना पड़ेगा ना कुछ तो ठीक है ये तो ऑब्वियस है ठीक है बस ये मैं आपको बता रहा हूँ हाँ और अगर लेकिन आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप बेटर है कि आप थोड़ा रिलैक्स करो मेंटल हेल्थ अपनी बेटर रखो मेडिटेशन वगैरह करो जिससे स्ट्रेस कम हो प्रेशराइज कम रहे आप और पेपर में अच्छा परफॉर्म करोगे आप टेंशन मत लो क्यों ले रहे हो टेंशन आपने पढ़ाई करी तो है डरते क्यों ठीक है आगे चलते हैं हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आधे से ज़्यादा जनता नहीं करती आपका सेंटर वगैरह आ गया होगा लॉट हो गया होगा ना सबको आ गया होगा एडमिट कार्ड वगैरह जैसा कि आना चाहिए ठीक है मैं मानता हूँ कि आपको एक बार सेंटर विजिट कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले नहीं तो एटलीस्ट पापा को बोल देना कि पापा एक बार सेंटर देखे आओ पूछो क्यों क्योंकि भाई ऐसा हुआ है कि लोगों को इन द एंड सेंटर ही नहीं मिलता पेपर ही नहीं दे पाते पूछो कैसे उनको सेंटर लॉट हो गया ठीक है वो गए नहीं पता चला वहाँ पर छत्तीस नाम की बिल्डिंग है या मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ठीक है छत्तीस बिल्डिंगों का सेम नाम है अब आप कैसे ढूंढोगे एक एक में जा कर डूढ़ोगे ठीक है तो ये सब स्कैम ना हो जाए ऐसे लोगों के साथ हुए हैं स्कैम ठीक है तो एक बार आप जाके लोकेशन विजिट लोकेशन विजिट करे आओ काफ़ी सेफ रहेगा क्योंकि हो जाता भाई लोगों के साथ ठीक है स्कैम तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सेंटर विजिट करे आओ कोई दिक्कत नहीं है जान पहचान में और आपको पता भी चल जाएगा आपका सेंटर किधर है तो थोड़ा फेमिलरिटी आ जाती है ठीक है एटलीस्ट अगर आप नहीं विजिट कर पा रहे तो आपके पेरेंट्स में से किसी को बोल देना एक बार सेंटर देखे आए किधर है नहीं तो आप ही देखे आना ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि ऐसा हुआ है लोग पेपर ही नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें इन द एंड एड्रेस मिला ही नहीं गए वो ठीक है तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है आगे चलते हैं हाँ ये भी एक बहुत अच्छा डाउट है एक बच्चे ने पूछा था मेरे से कि भैया जब आप अपन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो दो स्लॉट में होता है नौ से बारह और दो से पाँच तो इस गैप के बीच में क्या करना चाहिए ठीक है तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगा कुछ पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है कोई सेंस नहीं बनता तो ये पढ़ाई वढ़ाई मती करना हाँ ये आप कर सकते हो कि फॉर्मूले वगैरह ज़रूर देख सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है फॉमूला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल सा रहे हो तो एक बार फॉर्मूला आप रिवाइज मार सकते हो ठीक है बाकी मैं आपको ये बोलूंगा पढ़ाई मत करो आराम ही करना हो डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए आप ग्लूकोज़ या फिर एनर्जी ड्रिंक वगैरह जरूर से ले लीजिएगा और अगर आप बीच में खाओ तो फ़ैटी फूड को अवॉइड करना मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ बीच में जब आप लंच करो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ले लेना एनर्जी गिविंग फूड पर जाना फैटी फूड अवॉइड करना ठीक है नींद आती है वरना मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि पेपर टू में आपको एनर्जी से देना है और भाई एनर्जी लो ना हो जाए इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स बोले हैं मैंने ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मैंने आपका शायद अब सॉर्ट कर लिया कि लोग पूछ रहे थे तो क्या करना है कुछ नहीं करना है रिलैक्स करना है भाई आराम से बैठो डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो जैसे तो किसी का सेंटर खराब हो सकता है गर्मी लग रही है तो ट्राई करो भाई ठंडा पानी पी जाना ठीक है कुछ कुछ तो आप कर ही सकते हो अगर सेंटर ख़राब है तो अब आपकी किस्मत ही खराब है ये मान लो ठीक है मेरा भी खराब ही निकला था क्या बोलूँ ठीक है हाँ एक बहुत ही गंदी मेंटेलिटी ये लोगों की वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ये बहुत ही अजीब है पता नहीं लोग क्यों सोच के आते उन्हें लगता है कि भैया पेपर वन है ठीक है इसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा ठीक है क्योंकि मेरे में एनर्जी रहेगी फिर पेपर टू जैसा भी आए देख लिया जाएगा भाई ये भी हो सकता है ना पेपर वन टफ आ गया ठीक है हो सकता है तुमसे बने ही नहीं सवाल जैसे ये मेरे साथ दो हज़ार सत्रह के जे एडवांस में हो गया था ठीक है जो जो टॉपिक में पढ़ के गया था वो आया ही नहीं पेपर वन में तो भाई मैं तुक्के से मारे आया ठीक है क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं मुझे लगा मेरा नहीं होगा तो मैं तुक्के मारे आया फिर फिर जब मैंने पेपर टू दिया वो आ गया ईजी क्योंकि उसमें सारे टॉपिक वो भरे थे जो मुझे आते थे फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने तुक्के क्यों मार दिए उसके तो मेरे नेगेटिव हो गए होंगे और वही हुआ वन ट्वेंटी एट कट ऑफ था माई टाइम मेरे कुछ एक सौ दस आ गए थे लो बताओ पेपर वन में अगर मैं तुक्के नहीं मारता एटलीस्ट कट ऑफ तो पार होता मेरे फर्स्ट अटैम्प में बताओ ठीक है तो ये सब हरकतें मत करना हो सकता है पेपर वन टफ़ आ जाए तो ये मत सोचना पेपर टू भी टफ ही आएगा ये बेवकूफे वाली बात है ठीक है और ये भी मत समझना कि ईजी आ जाए ये ईस्ट पता नहीं क्यों लिख गया है ईजी लिखना था ठीक है हाँ तो ये अगर वो ईजी आ गया तो ये मत सोचना कि अगला वाला भी ईजी आ हो सकता है अगला वाला टफ़ आ जाए ठीक है तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो ठीक है और ये बहुत ही गंदी मैंटेलिटी है पता नहीं कौन बेवकूफ़ है जिसने ये फैला रखी है मार्केट में कि भैया पेपर वन में बेस्ट देना है अरे भाई जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से दोगे ना टफ आ गया तो कैसे दे दोगे वेस्ट हो सकता है आपके जो वीक टॉपिक है वही भर दिए पेपर वन में लो हो जाएंगे डीवेट भर कचरा गया अब नहीं होगा मेरा सिलेक्शन तो भाई पेपर टू भी तो है आधा पेपर उधर है थोड़ा फोकस रखा करो ठीक है और ये नहीं कि अच्छा गया तो ये भी अच्छा जाएगा जरूरी नहीं उल्टा भी हो है ठीक है अब आगे चलते हैं हाँ पता नहीं ये लोग इस साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे मेन्स और मतलब मेन्स वाली साइकिल से सही सुना आपने ये पता नहीं मैं रबड़ क्यों सेलेक्ट कर लेता हूँ और हाँ ये मेन्स वाली साइकिल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं लोग भाई छत्तीस बार बोल दिया तेरी अगर नाइन्टी एट परसेंटाइल आइए तेरी नाइन्टी थ्री परसेंटाइल आइए घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और भाई इवन तुम्हारी नाइन हंड्रेड परसेंटाइल आइए तो भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता पूछो क्यों जे एडवांस और मेन्स सेम नहीं है कितनी बार तो बता दिया ठीक है दोनों अलग अलग पेपर हैं हो सकता है तुम्हारी मेंस की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी हो हो सकती है ना तो ये एडवांस नहीं निकले ऐसा भी हो सकता है मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो नाइन्टी नाइन परसेंट टाइल लेके आए थे एडवांस का कट ऑफ ही नहीं निकला बताओ और उल्टे लोग देखे हैं जिनकी नाइन्टी थ्री परसेंट टाइल आई है वो ले आए हैं एडवांस में दस हज़ार के अंदर रैंक ठीक है तो ये चमत्कार भी होते हैं भाई तो बस आपने आप पे सेल्फ डाउट मत करना कर सकते हो तुम और ये बस मत सोचो कि अगर आपने आपके कम परसेंटाइल आई है तो डरो मत ठीक है जरूरी नहीं है कि आपके एडवांस में भी कमी आएगा ठीक है और जिनके ज़्यादा आ गए हैं परसेंटाइल जैसे नाइन्टी नाइन प्लस तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होने की जरूरत नहीं है ठीक है बट थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस रखो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना कॉन्फिडेंस रखना है बस ठीक है आगे चलते हैं हाँ ये याद रखना हार्डवर्क हाँ, आपका कभी भी कचरे में नहीं जाएगा ठीक है हार्डवर्क नेवर गोज इन मेन याद रखो क्यों भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेहनत करी है ना आपको डिजर्विंग चीज़ ही मिलेगी टेंशन मत लो ठीक है आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है और इन द एंड अगर आपको पता नहीं हो तो कॉलेज में जाने के बाद ही मेहनत करनी पड़ती है भाई सिर्फ कॉलेज से ही नहीं होता ये आपको पता हो बहुत सारे आई आई टी ऐसे हैं जो कॉलेज में जाके भी कुछ नहीं उखाड़ पाए ठीक है और यहीं पर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज के लोग हैं जिन्होंने इतना उखाड़ा है कि भाई आज करोड़पति अरबपति बन के बैठे हैं ठीक है थीके? तो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दोनों साइड पे ठीक है तो नॉट एवरी आई आई टी इन इज सक्सेसफुल और जो आई आई टी जी फेल करा वो फेलियर नहीं कहलाता है याद रखना ठीक है हाँ अब एक और चीज़ है अपनी भाई सोने की आदत कब सुधारोगे मुझे बता दो तो, तीन दिन बचे हैं अब तो भाई सुधर जा क्यों तू दो बजे सो रहा है क्यों भाई अभी भी बारह बजे तक नहीं सो पा रहे हो तो दिक्कत है पहले ही बता रहा हूँ मैं बारह बजे तक सो जाना है ठीक है साइकिल में वापस आ जाओ भाई तुम इंडिया में रहते हो यूएस में नहीं रहते ठीक है पेपर यहाँ पे क्या इंडिया के हिसाब से होगा यूएस के टाइम के हिसाब से नहीं होगा ठीक है इससे दिक्कत हो जाएगी आपको तो जल्दी सोना शुरू करो क्योंकि पेपर वाले दिन आप सात बजे उठोगे अगर और आप फिर आपकी नींद इनकम्प्लीट रह गई तो फिर भैया दो से पाँच वाले स्लॉट में भयंकर खतरनाक वाली नींद आएगी सही बात है और फिर जब आप पेपर हक के आओगे तो फिर आपको रोना आएगा कि भाई क्या कर दिया मैंने ठीक है तो ये सब चीज़ें मत करना अब बात आती है लास्ट चीज़ पे अब ये ज़्यादा ज्ञान नहीं पे लेंगे बस मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने आप पे विश्वास रखो ठीक है आप बेस्ट हो सही सुना ऐसा नहीं है कि आप खराब हो आप बेस्ट हो भाई यू आर द बेस्ट ठीक है आप अच्छा ही करोगे आपका अच्छा ही आएगा पेरेंट्स का आपका पास आशीर्वाद है करिए भगवान का नाम लीजिए और भाई बेस्ट ऑफ लक अच्छा ही जाएगा टेंशन मत करो आपने भाई दो साल तीन साल घिसा है ठीक है तो डरो मत अच्छा ही होगा एग्जाम ठीक है बस आज की वीडियो में यही था थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में